हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र महापात्र। वेलकम्स यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जितू फिजिक्स। तो आज आम डिस्कशन करमा इलेक्ट्रोस्टैटिक रो तीन नंबर वीडियो रे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आ तार आगर आम डिस्कशन करमा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऊपर बेस करके गोटे प्रॉब्लम जेनटा कि एग्जाम रे पचरा जाएसी। ओके, तो काली आम डिस्कशन करथिला डाइलेक्ट्रिक मीडियम के नहींक्री जे फोर्स इन एयर मीडियम, फोर्स इन एयर मीडियम बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वाल टू एप्सिलॉन, दैट इज परमिटिविटी इन मीडियम बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज इक्वाल टू रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर लिखुला, आउ इज इक्वाल टू स्मॉल के दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखुला। क्या लिखुला? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो आई होप कि जेन जोड़े वीडियो सरी जाइए से प्राक्टिस कर तुम मैंने यहाँ तीन नंबर वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक रो। ओके, डेली एंता गोटे वीडियो चलवा यहाँ एग्जाम तक। ओके, तो नुआ नुआ इंटरेस्टिंग टॉपिक जेनटा कि रिलेटेड थी एग्जाम संगे पूरा डायरेक्ट जिनका एग्जाम मैंने एग्जाम जिनका डायरेक्ट क्वेश्चन आस पूरा हंता। तापर आम जानवा लगी पाएमा जे जानवा लगी पाएना जे रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यूटा वन क्या कैन मीडियम लगी एयर मीडियम लगी। ओके, आउ रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यूटा 81 पखापाखि कहार लगी वाटर मीडियम लगी। ओके, बोले जदि जने वाटर मीडियम रे फोर्स बाहर कले चाहबा बोले एफ इन मीडियम जेनटा कि हूँ वाटर मीडियम, एफ इन मीडियम जेनटा कि हूँ वाटर मीडियम केते लिखमा एफ एयर मीडियम फल बाहर करमा डिवाइडेड बाय केते करमा 81 करमा। बोले वाटर मीडियम रे फोर्सटा केते टाइम्स कमी जबा 81 टाइम्स कमी जबा, बुझी पारछ 81 टाइम्स। ओके, तापर आमे जानबा लई पाना जे फॉर ऑल मेटल्स, फॉर ऑल मेटल्स देयर इज कंडक्टिंग मेटल्स। ओके, एप्सिलॉन आर रो वैल्यू होचे इनफिनिट, माने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रो वैल्यू केते इनफिनिट, एटा शॉर्ट क्वेश्चन पड़सी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रो वैल्यू होचे इनफिनिट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रो वैल्यू होचे इनफिनिट, समझ में आए कि नहीं बोलो? ओके, इतार पर आमे काना डिस्कशन करमा, इतार पर आमे गुटे प्रॉब्लम टे नेमा। ओके, तो प्रॉब्लम टा मुई पढ़ी दोछे, तुम्हे रिपीट करी ताकि लिखी दबो खातारे। ओके, कहीं आम शॉर्ट वीडियो बनाबा लागि चाहूँ, पूरा शॉर्ट टू शॉर्ट वीडियो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, पहला तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस आर दे, ठीक अच्छे। अपार्ट इन वैक्यूम इज एफ, तो एफ एयर वैल्यू केते दे एफ बोली कहे, ठीक अच्छे, एफ एयर वैल्यू एफ दे। तापर से कहला द फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस, दुईटा चार्ज अच्छा सेम चार्ज अच्छा कहे, किंतु एखे डिस्टेंस कौन है कहे, डिस्टेंस है आर बाय टू कहे, डिस्टेंस के आर बाय टू, आउ से नहीं कर रखीदेना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जेने टू थी हेन्ता मीडियम नहीं करना। बोले आम पाखे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू अच्छे टू, एफ एयर मीडियम वैल्यू अच्छे एफ, तो आउ डेरी कहला जे तो एफ एयर मीडियम वैल्यू एफ लगे के लिखमा, एफ एयर मीडियम के लिखसूँ वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, कहीं पहला आर थी ना आर स्क्वायर लिखना, किंतु एखेन कण ये एफ मीडियम केखमा आम एफ एयर मीडियम, एफ एयर मीडियम बाय के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आदे एफ एयर मीडियम बाय के इटा एफ मीडियम लिखमा इे है। तापर क्या करमा एफ एयर मीडियम फॉर्मूला में पुट करमा वन बाय फोर पाए एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू आर, एखन आर केते अच्छे आर बाय टू रो होल स्क्वायर, आर बाय टू रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के रो वैल्यू केते अच्छे टू, तो एफ मीडियम होगा एखन देख एफ मीडियम होगा आर बाय टू अच्छे बोले फोर पलि जाए ऊपर के आ वन बाय फोर पाए जीरो क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर वैल्यू केते जीवा एफ, तो फोर एफ बाय टू इजिकल के टू एफ हिजबा आंसर। ओके, तो ये ऑप्शन वाला पड़सी जे पचरा जाइए पहला आर डिस्टेंस रखी थी आउे आर बाय टू डिस्टेंस रखना आउ डायलेक्ट्रिक मीडियम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इजिकल टू अच्छे, तो फोर्स केते गुणा बढ़ी जा के गुणा कमी जा के गुणा बढ़वा एयर मीडियम अपेक्षा दुई गुणा बढ़ी जा। ओके, एबे आमे डिस्कशन करमा, एबे आमे डिस्कशन करमा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हम वेक्टर फॉर्म रे कूलम्स लॉ के देखमा। ओके, तापर पढ़मा सिस्टम ऑफ टू चार्जेस लाइक एंता पोजीशन वेक्टर निकरी करमा।
ओके तापर आम पढ़ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओके तापर डायरेक्ट इलेक्टिव फिल्ड के जी जेनटा टॉपिक रिलेटेड है सेटा के देखना ओके पहला फंडामेंटल टिके चालो हला शॉर्ट क्वेश्चन आसी भितर तो आम कण करमा जोड़े चार्ज कंसीडर करमा चार्ज नंबर हो गला क्यू वन आ गोटे चार्ज हो गला क्यू टू यहाँ है फास्ट चार्ज यहाँ है सेकेंड चार्ज तो जितेबाला दुईटा चार्ज आम पॉजिट चार्ज नहीं दुईटा के हेला दुईटा के पॉजिट चार्ज नहीं क्लीयर दुईटा के पॉजिट चार्ज नहीं तो जितेबाला दुईटा पॉजिट चार्ज पाखापाखे रे क्यू टू यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स पकावा इे तो ई फोर्स आम ना देद आउ ई फोर्स भी ना देमा कहीं क्यू वन भी ठेरवा था क्यू टू के तो दुई लोक फोर्स ना देदेना ये फोर्स ना दे दिली फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू फोर्स ऑन फास्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज यहाँ देदेमा फोर्स्ट ऑन फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फास्ट चार्ज ओके आर भर डिस्टेंस के डिस्टेंस अच्छे आर तो जितेबाला क्यू वन क्यू टू के ठेला इे पोजिशन भेक्टर मानने डिस्प्लेसमेंट भेक्टर जी से लिखमा आर वन टू भेक्टर आ जितेबाला क्यू टू क्यू वन के ठेलवा क्यू टू इे आसवा क्यू वन आड़े तो आम डिस्प्लेसमेंट भेक्टर लिखमा आर टू वन भेक्टर इज दैट क्लीयर जेन डिरेक्शन आड़े फोर्स सी डिरेक्शन आड़े तार डिस्प्लेसमेंट भेक्टर नमा इ डिरेक्शन अफ फोर्स लगे इ डिरेक्शन अफ पोजिशन भेक्टर डिस्प्लेसमेंट भेक्टर नमा तो आम इन लिखिक रखमा जे एफ वन टू भेक्टर बोले कण एफ टू वन भेक्टर बोले कण आर वन टू मान कण आउ आर टू वन मान कण तुमको मैंने जन रखी जे एफ वन टू हूँ फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज इज दैट क्लियर फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज ओके अच्छा एफ टू वन कहना फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज क्लियर ओके आर वन टू कहना आर वन टू हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम केनु केनु के डिस्प्लेसमेंट है क्यू वन टू क्यू टू आर टू वन कौन डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम केनु केनु के क्यू टू टू क्यू वन देखो ये नोटेशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट नोटेशन यहाँ है पिला ये बहुत कन्फ्यूजन जो के कण है कहार ऊपर किए फोर्स पकुचे किसी टेनसन ना न भल कर भिड के थे दुई थर तीन थर देख आराम से डेफिनेटली क्लीयर हो पार एवं आम लिखा लगे चाहे जे फोर्स ऑन वन टू वैल्यू के हला तो आम फर्मूला अच्छे के क्यू वन क्यू टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड डिस्टेंस बोले डिस्प्लेसमेंट भेक्टर नमा तो फोर्स वन टू रेन आड़े डिरेक्शन अच्छे यहाँ अच्छे डिरेक्शन टा बोले क्या लिखमा आर टू वन भेक्टर मैग्नीट्यूड रो स्क्वायर आउ तार डिरेक्शन कैप देदमा आर टू वन कैप हला तो आम फर्स्ट इयर पढ़ीना ए कैप के आम लिखसूँ भेक्टर ए बाय भेक्टर ए रो मैग्नीट्यूड ये सर न सिमिलरली आम इन लिखि पार्मा आर टू वन कैप इज इक्वल लिखि पार्मा आर टू वन भेक्टर बाय आर टू वन भेक्टर कण लिखि पार्मा मैग्नीट्यूड लिखि पार्मा ये सर न तो देख इठने आम तक लिखि पार्मा एफ वन टू भेक्टर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर टू वन भेक्टर आम क्या लिखुच स्क्वेयर लिखिचू आउ इन लिखि पार्मा आर टू वन भेक्टर बाय आर टू वन भेक्टर कण लिखि पार्मा मैग्नीट्यूड ओके तो आम तक फाइनाली लिखि पार्मा एफ वन टू भेक्टर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर टू वन भेक्टर पावर थ्री लिखि पार्मा आईटा के लिखि पार्मा आर टू वन भेक्टर लिखि पार्मा कि नहीं कह ये इक्वेशन नंबर वन नंबर ओके यहाँ है इक्वेशन नंबर वन तापर आम क्या करमा देख इक्वेशन नंबर वन बाहरी सारापर है यहाँ इक्वेशन नंबर वन है ना तो इक्वेशन नंबर वन बाहरी सारापर आम क्या करमा देख एवं एफ टू वन बाहर करमा तो एफ टू वन लगे क्या करमा से ही सेम फर्मूला के क्यू वन क्यू टू इन आर टू वन थी इन क्या लिखमा आर वन टू वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटु कौन थी लिखमा आर वन टू वेक्टर तो आम तापर जानवा लगे पाना जे आर वन टू वेक्टर जेन डिरेक्शन अच्छे आर टू वन वेक्टरटा तार अपोजिट डिरेक्शन अच्छे तो ये जगह मुझे पुट करी एखेन के क्यू वन क्यू टू बाय
आर वन टू जगार आर टू वन लिखी कहीं मैग्नीच्यूड अच्छे तो फरक नहीं पड़े किसी इन्हें कितना फरकटा पड़वा मुई ताके लिखी माइनस आर टू वन भेक्टर माइनस टाके आने माइनस के क्यू वन क्यू टू बाय आर टू वन भेक्टर मैग्नीच्यूड पावर थ्री इंटू आर टू वन भेक्टर तो यहाँ देख ये फोर्स है कि नहीं कह तो इक्वेशन वन है कि नहीं देख देख दुईटा के सामान कर देख दुईटा है कि नहीं तो इन्हें क्या लिखिपार इे अच्छे आमर एफ टू वन भेक्टर इज इक्वल टू इन आम लिख पार माइनस एफ वन टू भेक्टर तार माने आम कण जानना जे टू चार्जेस ओके हेन्स बोथ द चार्जेस ओके विल एक्सपीरियंसेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ओके आउ जी कि वेरीफाई कण करसी ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ओके तो भल कर बुझे चेष्टा कर काणा कराइए काणा नहीं कराई आउ ये डिरेक्शन टा सब बेस इंपोर्टाट ये डिरेक्शन टा ओके ये मैं नोटेसन करली ओके क्यू वन के क्यू टू ठेलुचे इे तो लिखमा एफ फोर्स ऑन फास्ट चार्ज बॉडी ड्यू टू सेकंड चार्ज बॉडी एफ टू वन लिखमा फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बॉडी ड्यू टू फास्ट चार्ज बॉडी क्यू वन क्यू टू के ठेलुचे बेले लिखना डिस्प्लेसमेंट टू आर वन टू वेक्टर क्यू टू क्यू वन के ठेला लिखना आर टू वन वेक्टर क्लियर तापर नेक्स्ट क्लास में आम पढ़मा कूलम्स लॉ फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्जेस जेने कि आम पोजिशन भेक्टर नहीं कैलकुलेसन करमा बुझिपारे समस्ते आउ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं करी जन प्रॉब्लम मुझे करली डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं करी जन प्रॉब्लम करली तार फॉर्मूला पूरा भल से याद रखी दियो एफ एयर मीडियम बाय एफ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी इन एयर मीडियम बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज इक्वल रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ओके तो आज वीडियो के हमें ये एंड करमा नेक्स्ट वीडियो रे हमें डिस्कशन करमा फिर किसी नुआ टॉपिक किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक से तक तुम यहाँ के देख आउ बुझा लगी चेष्टा कर वीडियो के क्लियर बुझिपाल कि नहीं कह थैंक यू।